चलिए अब सेकंड लेक्चर में ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ ही लिए थे। ऑपरेटर्स में भी हमने फॉरवर्डिंग डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, साथ ही साथ हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखी, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखी, कुछ छोटे मोटे उसके आपसी फॉर्मूले भी हमने सीखे। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमको आगे समझनी है। सबसे पहले इसमें आता है एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला। तो एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला के बारे में अगर बात करें तो ये एक्चुअली नॉर्मली सामान्यतः होता क्या है कि हमें एफ की वैल्यू किसी खास हमें एफ की वैल्यू दी होती है किसी खास पॉइंट पर एफ ए, ठीक है, और हमें टेबल्स जो हमारे पास डिफरेंस टेबल है उस डिफरेंस टेबल से हमें ये पता होता है कि डेल्टा एफ ए क्या है, सिमिलरली डेल टू एफ ए क्या है एंड सो ऑन, इसी तरीके से और बाकी की चीजें क्या है, ये हमें वैल्यूज पता होती हैं। ऐसे में यदि हमसे पूछा जाए कि एफ ए प्लस एम एच क्या होगा तो उसको आप जानने की और बताने की कोशिश करते हैं। तो एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला जो है वो ए प्लस एन एच इज इक्वल टू ये फॉर्मूला दिखाता है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका प्रूफ एग्जैक्टली इसी तरीके से दिखाते हुए संभव नहीं होता, लेकिन हम ये इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम यदि प्रूव करने की कोशिश करें तो हमको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरीके से काम करता है। हम सबसे पहले मानते हैं कि सबसे छोटी संख्या n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए यदि मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो डेल्टा एफ ए की तो डेफिनेशन मुझे पता ही है और मैं इसको कहता हूं एफ ए प्लस एच विल बी एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए। तो ये फॉर्मूले को यदि आप कंपेयर करेंगे अपने नॉर्मल कम जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे तो दिस इज एफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ए। नाउ अब इसी चीज को यदि n इज इक्वल टू 2 के लिए मैं निकालने की कोशिश करूं या प्रूव करने की कोशिश करूं तो मेरे को एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू चाहिए होगी। एफ ए प्लस टू एच विल बी एफ ए प्लस एच प्लस डेल्टा एफ ए प्लस एच, जिस तरीके से यहाँ पे किया था हमने काम सिमिलरली उसी 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 फैशन में काम होगा। और डेल्टा एफ ए प्लस एच क्या होगा, डेल्टा एफ ए प्लस एच अगर हम निकालने चाहेंगे तो दैट विल बी, देखिए एफ ए प्लस एच की वैल्यू मुझे पता है क्या होगी, एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए, तो उसकी वैल्यू तो मैंने लिख दी राइट। अब डेल्टा एफ ए प्लस एच, तो डेल्टा यहाँ और एफ ए प्लस एच क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर फैशन में लिख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। और इसको हम जब हम खोलेंगे और साथ में लिखेंगे तो दैट विल बी एफ ए प्लस टू डेल्टा एफ ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 3 के लिए एफ ए प्लस थ्री एच यदि मैं निकालूंगा तो फाइनली मुझे पास आएगा एफ ए प्लस थ्री डेल्टा एफ ए प्लस थ्री डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डेल क्यूब एफ ए। ध्यान से अगर हम देखें तो बिल्कुल समझ में आता है कि यहाँ पर 1 है कोफिशियंट, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 1 है। देखिए ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले में यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 1 था। ये देखिए ये हमेशा बाइनोमियल कोफिशियंट के रूप में सामने आते हैं। इसका मतलब ये है ये फॉर्मूला अंततः हमारा प्रूव होने वाला है। लेकिन कैसे, 1, 2 और 3 के लिए हमने वैल्यू देख ली, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी वैल्यू हम ये मान के चलते हैं कि n इज इक्वल टू m के लिए ये ट्रू है। तो n इज इक्वल टू m के ट्रू है तो इसका मतलब ये m के रूप में इसको मैंने लिखा फॉर्मूले को, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब जब मैं n इज इक्वल टू m के लिए ये सही है और मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सही होगा, यानी कि मैं ये प्रूव करूंगा कि n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ये भी सही होगा, तो n इज इक्वल टू m प्लस 1 को अगर मैं लिखूं तो इट इज f a प्लस mh प्लस डेल्टा f a प्लस mh, यही होगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और f a प्लस mh की वैल्यू मैंने इस
टेबल से उठा के और यहाँ पर रख दी। सिमिलरली डेल्टा और इसी टेबल इसी फॉर्मूले को उठाकर मैंने यहां रख दिया। और दोनों को रखने के बाद सबसे पहले क्या किया, जो एक जैसे चीजें हैं उनके कोफिशिएंट को कलेक्ट किया। तो एफ ए तो सिंगल ही है इसलिए एफ ए यहां पर रहेगा। डेल्टा एफ ए एक तो आ रहा है इस जगह से और एक डेल्टा एफ आ रहा है इस जगह से, इन दोनों के कोफिशिएंट को कलेक्ट किया मैंने। सिमिलरली डेल टू एफ ए एक इधर से आता है और डेल टू एफ ए एक आपका इधर से आता है क्योंकि ये इसके साथ ऑपरेट हो रहा है, ये जो है ये इसके साथ ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर डेल टू एफ ए डेल टू एफ ए ये दो आ रहे हैं और इसी तरीके से आगे चीजें चलती चली जाएंगी और फाइनली डेल एम जो है वो इस डेल्टा के साथ ऑपरेट होके डेल्टा टू दी पावर एम प्लस वन एफ ए बनेगा। क्लियर? नाउ हम कलेक्ट करते हैं वापस से इसके कोफिशिएंट एफ ए, इट इज एम सी वन प्लस एम सी जीरो डेल्टा एफ ए, इट इज एम सी टू प्लस एम सी वन डेल्टा सॉरी इट वुड बी डेल टू एफ ए एंड सो राइट। सिमिलरली हम इसको आपने ये रूल्स आपको पता होंगे, एम सी वन प्लस एम सी जीरो शुड बी एम प्लस वन सी वन, तो एफ ए इज इक्वल टू एम प्लस वन सी वन। एफ ये इसके कोफिशियंट होगा, इसका कोफिशियंट बन जाएगा हमारे पास एम प्लस वन सी टू एंड सो ऑन। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी राइट। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास ध्यान से अगर देखें तो इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को यदि हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो हुआ क्या, ये n इज इक्वल टू एक जैसा फॉर्मूला है, इसका मतलब n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये सही है। इसका मतलब हम इस पर मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी n। नाउ एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल से भी समझें कि ये एक्चुअल में कह क्या रहा है ये फॉर्मूला है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखिए ये कोई पॉपुलेशन ऑफ द सिटी दी हुई है, एक सिटी का डाटा दिया हुआ है 1901 में 46 मिलियन कह लो, लाख कह लो कुछ या हजार कह लो, कोई एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन है हजारों में है, सपोज हम ये मान के चलते हैं। 1911 में उसकी पॉपुलेशन है 66, 1921 में उसकी पॉपुलेशन है 81 और 1931 में उसकी पॉपुलेशन है 93। ठीक है, तो हमको उसकी पॉपुलेशन 1961 में निकालनी है ये अज्यूम करते हुए या ये मानते हुए कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है या बढ़ रही है बिल्कुल ही सेम रेट से, यानी कि हमको जिस तरीके से यहाँ डाटा दिया हुआ है उसी रेट से पॉपुलेशन आगे तक भी बढ़ती है तो 1961 की पॉपुलेशन क्या होगी। सिंपल है, 1901 पहला डाटा दिया हुआ है, इसका मतलब ए को मैं 1901 के बराबर मानूंगा और हर डाटा के बीच में जो एक्स वैल्यू दी हुई है उसके बीच में हर वैल्यू के बीच में एच इज इक्वल टू 10 का डिफरेंस है, तो एच इज इक्वल टू मैंने 10 मान लिया है ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को ए प्लस एन एच यानी कि 1961 की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस एन एच में मेरा एन अननोन है तो एन की वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो that would be 1961 minus 1901 upon 10 that would be 6। तो ये n is equal to 6 आ गया, यानी छठी वैल्यू के लिए मुझे पॉपुलेशन का मान चाहिए। मैंने डिफरेंस टेबल बनाई, जिसमें ईयर दिया हुआ है और पॉपुलेशन दिया हुआ है। 1901 के कॉरस्पॉन्डिंग 46, 1911 के लिए 66, 1921 के लिए 81, 1931 के लिए 93 राइट। तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस निकाला जिसमें 66 से 46 घटाया तो मेरे पास आया 20, मैंने सेकंड फर्स्ट डिफरेंस इसका निकाला तो मेरे पास आया 15, इसका फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो मेरे पास आया 12। सिमिलरली सेकंड डिफरेंस इसके बाद फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड डिफरेंस कहलाता है, तो ये सेकंड डिफरेंस आया और ऐसी तरीके से एक और सेकंड डिफरेंस आया और सिमिलरली इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास ये थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस टेबल में हम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक डिफरेंस टेबल, इसके आगे और भी एग्जांपल आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंस टेबल एक जगह पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है, यानी उसके बाद उसके आगे हम और डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर डेल थ्री या जो थर्ड डिफरेंस है उसके बाद का काम नहीं हो रहा है राइट। नाउ हम फॉरवर्डिंग डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1961 के लिए। तो फॉरवर्डिंग डिफरेंस फॉर्मूला 1961 इज एफ ए प्लस
एन एच, यानी कि इट वुड बी एफ ए प्लस 6H. इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना. तो दिस इज एफ ए और ये एन सी वन, और ये सॉरी ये जो है यहाँ पर डेल्टा आना चाहिए, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ. ये डेल्टा आएगा यहाँ पर, एक्चुअल में डेल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर एक्चुअल में डेल क्यू आएगा. ये ध्यान रखने की बात है, ये कहीं टाइपिंग में मिस्टेक रह गई, कोई बात नहीं. तो यहाँ पर एन सी वन डेल एफ ए, एन सी टू डेल टू एफ ए, एन सी थ्री डेल थ्री एफ ए, एंड इस तरीके से चलेगा. डेल थ्री के बाद आगे की सीरीज है ही नहीं, तो टर्मिनेट हो गया. थर्ड डिफरेंस के बाद कोई डिफरेंस निकला ही नहीं हमारा, तो इसका मतलब इसके आगे की सीरीज हमने टर्मिनेट कर दिया, इसको हटा दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है. दिस इज 46, 1901 पे पॉपुलेशन, एन सी वन इज 6 और डेल्टा इज 20, देखिए यहाँ पहला. सिमिलरली एन सी टू इज -5 और डेल्टा टू इज, सॉरी एन सी टू इज 15 एंड डेल्टा टू इज -5, ये निकला. इसके बाद तीसरा एडवांसिंग डिफरेंस, ये एन सी थ्री इज 20 एंड डेल्टा थ्री इज 2, ये निकाल लिया. इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 131. इसका मतलब मेरी 1961 में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है 131. That's it. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और आती है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलेशन, कैलकुलस. तो ये कहती है कि यदि एफ एक्स एक्स में एनवें कोटि का बहुपद है, यानी एफ एक्स जो है उसमें एक्स की एन पावर तक की टर्म्स है, तो एफ एक्स का एनवा अंतर अचर होगा. तो उसका अचर जब जब भी हम उसके अंतर निकाल रहे हैं, डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, तो अंततः एनवें डिफरेंस पर जब पहुंचेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, और उसका उसके आगे भी डिफरेंस यदि निकालना चाहेंगे तो उसके अगला वाला डिफरेंस यानी एन प्लस वनवा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये ध्यान रखने की बात. तो चलिए इसके प्रूफ की बात करें. हालांकि प्रूफ जो है एग्जैक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता काम का है, लेकिन उसके उपयोग है. आप अगर प्रूफ को जानेंगे तो आपको आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ बनेगा. तो चलिए मान लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू मैंने मान ली, ये बहुपद है, ए एन एक्स टू दी पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन. इस तरीके से पावर घटती जा रही है, फाइनली ए जीरो. तो एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर है क्लियर कट, और ए के जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं सारे के लिए, और ए एन की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है. ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि ए एन की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो एक्स टू दी पावर एन वाली टर्म रहेगी नहीं, वैनिश हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है ना. तो यदि ये खत्म हो जाएगी तो मेरा बहुपद कितनी पावर का रह जाएगा, n माइनस वन का रह जाएगा. तो ऐसा ऐसा नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, ये nवीं कोटि का बहुपद है, तो इसलिए ये an इट शुड बी और इट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. ओके नाउ फिर एफ ए प्लस एच निकाला, तो हर एक टर्म के लिए ए एन एक्स प्लस एच टू दी पावर एन, an minus 1 x plus h to the power n minus 1 and so on. Similarly, now so delta fa nikalne ki koshish karun to it would be fa plus h minus f. to maine ye values rakh di isme, ye to fa plus h ki value yahan se rakhi aur fa normal mera jo series hai uski yahan se rakhi, aur jo ek jaise coefficients hain unko maine collect kiya, yani an ke sath wali values maine collect kari, hai na. इसी तरीके से an माइनस वन के साथ वाली, एंड सो ऑन, अल्टीमेटली a वन के साथ वाली, और a जीरो जो है दोनों में ही एक इकलौती टर्म थी, तो ये खत्म हो गई, यहाँ पर एक टर्म खत्म हो गई, देखिए आप, है ना. नाउ इसको मैं अगर आगे देखूंगा तो ये जो टर्म है इसको यदि मैं खोलता हूँ, है ना, तो x टू दी पावर n की वैल्यू, एक x टू पावर n यहाँ आने वाला है और एक x टू दी पावर n यहाँ है ही, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. मैक्सिमम टर्म्स कौन सा, मैक्सिमम टर्म कौन सी रह जाएगी इसमें, x टू दी पावर n माइनस वन वाली, ठीक है. इसके अंदर x टू दी पावर n माइनस वन, इसकी नेक्स्ट टर्म यानी उसके उसका कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी वन एच, एन सी वन इज एन, ए टू दी एन इज यहाँ ऑलरेडी है, और एच मतलब
जो उसके साथ आ रहा है वो, तो ये वो वाली टर्म जो बचेगी वो है। इसके बाद जो सेकंड टर्म होगी दैट वुड बी ए एन, मैं यहां लिख देता हूं शायद आप समझ पाए, दैट वुड बी ए एन एच स्क्वायर और एन सी टू, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, ये हो गया, ये टर्म होगी। ऐसे इसी तरीके से बाकी की टर्म्स भी चलेंगी, और यहां पर भी इसी तरीके से खोलेंगे तो एन माइनस वन तो खत्म हो गया, यहां एन माइनस टू वी टर्म्स से काम चलेगा, ये जान लेने की बात है। इसका मतलब अब ये जो पूरा हमारा बहुपद है ये किस तरीके से बदल रहा है, ध्यान से देखिए, पहली टर्म है उसकी हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म, हाईएस्ट कोटि की टर्म जो है वो है एन माइनस वन की, और उसके बाद वाली एन माइनस टू, उसके जो कॉफिशियंट है कलेक्ट होंगे उनको मैं एक नाम दे देता हूं, मैंने मान लिया कि वो बी एन माइनस वन है, समझे। इसी तरीके से मैं इसी तरीके से उसके, चूंकि वो कांस्टेंट है तो उनके नोटेशन को हम किसी भी तरीके से मान सकते हैं, ये बी थ्री वैल्यू मैंने मान ली, इस तरीके से बी टू माना उसको, फाइनली जो आखिरी में कांस्टेंट बचेगा, जो कांस्टेंट है ये दिस इज द कांस्टेंट व्हिच इज एक्चुअल बी वन, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो आपने देखा एक पावर कम हो गई। इसका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो वापस से क्या होगा, एक और कम होके एन माइनस टू हो जाएगी, ठीक है, तो वो इस तरीके से बढ़ेगी, पहली टर्म एन एन माइनस वन ए एन एच स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और उसके बाद बाकी के कोफिशिएंट भी उसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे, इस चीज को ऐसे चलेंगे, और इसको अगर हम कंटिन्यूअली चलाते चले जाएं तो फाइनली हमारे पास डेल्टा टू दी पावर एन जो है वो आने वाला है, ए एन तो बाहर रहेगा ही, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू थ्री टू वन, करेक्ट, और एच टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस एन, दैट इज एक्स टू दी पावर जीरो, दैट इज नथिंग कांस्टेंट। सो ये एच इज अ कांस्टेंट, ये पूरी टर्म इट इज फैक्टोरियल एन, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन ए एन एच टू दी पावर एन व्हिच इज अ कांस्टेंट। और हमने अग्रांतर का जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अंदर क्लियर था कि अग्रांतर इसी कांस्टेंट का अग्रांतर हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि अग्र वैल्यू है ही नहीं तो सेम वैल्यू है तो आगे वाली वैल्यू भी वही है जो कि पहले वाली वैल्यू थी, तो दोनों को आपस में अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, भले अग्रांतर निकालने की कोशिश करें भले पश्चांतर निकालने की कोशिश करें, वो अंततः जीरो आता है। तो हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस प्रूव हो गया। चलिए इसको काम में खा लेते हैं, मैंने कहा ये प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी उसको उसका उपयोग जितना उसका उपयोग काम में आता है। तो जैसे ये एग्जांपल है, डेल्टा टू द पावर एन ऑफ ए टू द पावर ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन मुझे निकालना है, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लगातार लगातार आप डेल्टा टू द सॉरी एक बार डेल्टा निकाल रहे हैं फिर उसके बाद डेल स्क्वायर निकाल रहे हैं फिर डेल क्यूब निकाल रहे हैं, इस तरीके से करते रह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। आप बड़े आराम से डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं, और उसको कैसे काम में लेंगे देखिए, डेल्टा टू द पावर एन ए एक्स टू द पावर एन बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डेल्टा टू द पावर एन पहले वाले पे मैंने काम में लिया तो कांस्टेंट आ गया ए फैक्टोरियल एन, और दूसरे वाले पे काम में लिया तो चूंकि इसकी पावर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन माइनस वन देयरफॉर इट विल बी जीरो, तो बी इंटू जीरो, तो फाइनली मेरे पास आएगा एन फैक्टोरियल इंटू ए, ये मेरे पास फर्स्ट डिफरेंस आने वाला है, करेक्ट। सो दिस वॉज द सेकेंड लेक्चर, और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स थोड़े और दूसरे तरीके के ऑपरेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।